वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम फुलकवार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन इन वॉर, युद्धकालीन आर्थिक गतिशीलता। युद्धकालीन आर्थिक गतिशीलता क्या होती है, इसका हमारे देश के ऊपर, हमारी सेनाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। युद्धकालीन गतिशीलता का अर्थ है युद्ध के दौरान देश के सभी साधनों को युद्ध के उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से गतिशील बनाना, यानी कि हमारे पास जो भी आर्थिक संसाधन हैं उन सब को युद्ध के उद्देश्य के लिए हम पूर्ण रूप से गतिशील बना देते हैं। युद्धकालीन परिस्थितियाँ देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, इसलिए युद्ध के समय सभी राष्ट्र अपने आर्थिक संसाधनों को गति प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी उनके पास आर्थिक संसाधन हैं उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें शांतिकाल में जनता से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कटौती की जाती है तथा युद्ध के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उसके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा युद्ध काल की असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए साधनों का प्रबंध भी किया जाता है, यानी कि हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उनको तो गतिशील बनाते ही बनाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम नए संसाधन हैं उनको भी जुटा सकें। इस प्रकार आर्थिक गतिशीलता में देश के सभी साधनों को युद्ध के उद्देश्य से पूर्ण गतिशील बनाया जाता है, यानी कि युद्ध के लिए हमारा जो भी उद्देश्य है उसके लिए हम अपने संसाधनों को पूर्ण रूप से गतिशील बना देते हैं। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्र युद्ध से संबंधित सामान का अधिक से अधिक आयात करता है और अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया है कि युद्ध जो होता है एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो इसके लिए कोई भी राष्ट्र जो होता है वो बहुत समय पहले से ही तैयारी करनी आरम्भ कर देता है, तो उसमें कई प्रकार की तैयारियाँ होती हैं। वो आयात भी करता है बाहर से सामान का, अपने पास जो उसके पास संसाधन है उनसे वो अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है उस सामान का जो युद्ध में काम आ सकते हैं। इसके अलावा बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी चालू करके उत्पादन बढ़ाया जाता है। किसी भी राष्ट्र का सैनिक रूप से ताकतवर होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ उसका आर्थिक रूप से भी ताकतवर होना जरूरी है। यानी कि जरूरी है कि कोई भी राष्ट्र सैनिक रूप से ताकतवर हो, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रह जाता है तो फिर इसकी जो शक्ति होती है वो बहुत कम रह जाएगी, वो अपनी स्वतंत्रता का बचाव नहीं कर सकता, उसकी राष्ट्रीय रक्षा अखंडता जो है वो हमेशा खतरे में रहेगी अगर वो आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो मैं बता देता हूँ। यह बात हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब दो उदाहरणों में मैं आपको बताऊँगा कि पहले उदाहरण में बताऊँगा कि सैनिक रूप से ताकतवर देश है उसका क्या असर होता है जब वो आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं होता, और आर्थिक रूप से ताकतवर देश का क्या असर होता है जब वो सैनिक रूप से ताकतवर नहीं होता। ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। पहले उदाहरण में हम ब्रिटिशकालीन सिंध का उदाहरण लेते हैं। सिंध जो प्रांत है आज के समय में पाकिस्तान में है, पहले भारत का ही हिस्सा होता था। तो ये जो इलाका था, ये जो प्रांत था, ये आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर था। यहाँ आर्थिक संसाधन बहुत थे, यहाँ पे बड़े बड़े धनाढ्य धनी व्यक्ति रहते थे। तो ये यहाँ के जो नागरिक थे वो आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन सैनिक रूप से भी ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। तो इन जो सिंध के जो नागरिक थे, सिंध जो प्रांत था, इसको अंग्रेज़ों ने बिना किसी खास लड़ाई के हजम कर लिया था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि सिंध के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। सिंध ने अंग्रेज़ों को कोई नुकसान भी नहीं किया था, इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों को पता था कि इनके पास दौलत है वो हद से ज़्यादा है, आर्थिक रूप से संपन्न प्रांत था वो और सैनिक रूप से ताकतवर था नहीं, तो अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी के साथ सिंध के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये उदाहरण हमें बताता है कि हमें आर्थिक रूप से अगर हम ताकतवर हो गए हैं तो हमें सैनिक रूप से भी ताकतवर होना जरूरी है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको सोवियत संघ का। सोवियत संघ किसी समय में दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी ताकत थी, कुछ मामलों में वो अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन सैनिक रूप से तो वो ताकतवर बना रहा, लेकिन आर्थिक रूप से वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था।
उसकी जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे करके वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई, और 25 दिसंबर 1991 को एक देश के रूप में सोवियत संघ जो था वो टूट गया 15 अलग अलग देशों में। उस देश की हालत ये हो गई थी कि वहाँ पर जो खाने पीने की सामान था, डबल रोटियों की जो दुकानें थी, इन सामान को लूटा जा रहा था। यानी कि उस समय भी सोवियत संघ एक बड़ी ताकत था, दुनिया की दूसरे नंबर की ताकत था, लेकिन आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो गया था कि वहाँ की जनता को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था। तो ये मैं उदाहरण में आपको बता रहा हूँ कि किसी देश के लिए आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से दोनों रूपों से ताकतवर होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों रूपों से ताकतवर नहीं होता है तो उसका असर सोवियत संघ जैसा हो सकता है। इसलिए किसी भी देश का आर्थिक और सैनिक दोनों रूप से ताकतवर होना जरूरी है। युद्ध के समय राष्ट्र जिन संसाधनों को गतिशील बनाता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले को कहा जाता है वास्तविक संसाधन, यानी रियल रिसोर्सेज। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन में देश के सभी भौतिक व मानवीय संसाधन आते हैं जो युद्ध की वास्तविक आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे देश के पास जो भी वास्तविक संसाधन है वही युद्ध की वास्तविक आवश्यकता भी होती है। एक लेखक है श्री ए सी पिग्गू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ वार में बताया है कि किसी देश के लिए युद्ध के वास्तविक संसाधनों में उसकी भूमि, खनिज पदार्थ, भवन, यंत्र, रेलवे, मशीनरी, वस्तुओं के भंडार, विदेशों में लगी पूंजी तथा नागरिकों की शारीरिक व मानसिक शक्ति आती है। यानी श्री ए सी पिग्गू ने अपनी पुस्तक में जो डेफिनेशन इसकी दी है वो ये कहती है कि देश में मौजूद सभी प्रकार की भूमि, खनिज पदार्थ, यंत्र, रेलवे, मशीनरी और वहाँ की जो नागरिक क्षमता है वो सारी की सारी देश के वास्तविक संसाधनों में आती है। शांतिकाल में देश के जो संसाधन होते हैं वो देश के विकास और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के काम आते हैं। यानी शांतिकाल में हमारे देश के पास जो भी संसाधन हैं वे हमारे देश की आय बढ़ाने में काम आते हैं और हमारे देश का विकास करने में सहायक होते हैं, जबकि युद्ध के समय ये राष्ट्र की सामरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। युद्ध के लिए आर्थिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से सुदृढ़ बनाया जाता है। तो रियल रिसोर्सेज में जो मैं आपको बता रहा था उसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि हमारे यहाँ हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारा देश दुनिया का 7वें नंबर का बड़ा देश है। हर प्रकार का वन्य जीवन, खनिज पदार्थ, नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, हर प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में मौजूद है। जनसंख्या के लिहाज से अगर हम देख लो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े देश हैं। आज के समय का जो भारत है वो आर्थिक और सामरिक, सैनिक दोनों रूप से ताकतवर माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों का भी जमकर उपयोग किया जाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मैंने आपको वार फाइनेंस में बताया था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसमें वही चीज़ें आ जाती है, ऋण व्यवस्था, कर व्यवस्था, मुद्रा स्फीति और ऐच्छिक चंदे, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। मेजर टू स्ट्रेंथ रियल रिसोर्सेज, यानी हमारे जो वास्तविक संसाधन है उसकी क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि करके। युद्ध के समय बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो जो चीज़ें अपनाता है उसमें सबसे पहले बेकार पड़े जो संसाधन होते हैं उनको सक्रिय बनाया जाता है। इसके अलावा कार्य करने के जो समय होता है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, नॉर्मली 8 घंटे का शिफ्ट होती है जिसमें वो काम करते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान उत्पादन को बढ़ाने के लिए शिफ्ट जो होती है वो 10-12 घंटे की जा सकती हैं, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो इमरजेंसी का टाइम होता है। इसके अलावा पेंशनशुदा जो लोग होते हैं उनको भी काम पर वापस बुलाया जा सकता है। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो काम कर सकते हैं लेकिन उनकी उम्र हो गई थी तो उनको रिटायर कर दिया गया था, उनको भी वापस बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों की जो छुट्टियां होती हैं उनको भी उनमें भी कटौती करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है बाय कटिंग डाउन ऑन पर्सनल कंज्यूम्पशन।
यानी व्यक्तिगत उपभोग में कटौती करके। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं में कटौती की जाती है। सैनिक व नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने की वस्तुओं की खपत व युद्ध के समय अधिक होने लगती है, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि नागरिक जो हैं वो ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल कम से कम करें। इसलिए युद्ध के दौरान राशनिंग सिस्टम को लागू कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी सेनाओं को ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है और सरकार कोशिश करती है कि सेनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिले, तो वहाँ पर नागरिकों का जो उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसमें कटौती की जाती है। राशनिंग व्यवस्था के द्वारा जो सामान दिया जाता है वो कम से कम कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इम्पिटिंग द फ्लोटिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री, यानी देश की चालू पूंजी को ख़त्म करके, खाली करके। युद्धकाल में आर्थिक गतिशीलता को गतिशील बनाने के लिए देश की जो व्यक्तिगत पूंजी होती है उसको युद्ध कार्यों में प्रयोग कर लिया जाता है। यानी हमारे देश ने के पास जो भी पैसा होता है, जो भी विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, वो सारा का सारा सरकार जो होती है युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए युद्ध को जीतना सबसे पहली आवश्यकता होती है और बाकी चीज़ें होती हैं वो बाद की चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास जितना भी मुद्रा का भंडार होता है हम युद्ध जीतने के लिए उसको खर्च कर सकते हैं। नंबर चार पे आता है टेकिंग लोन्स फ्रॉम फॉरेन नेशंस, विदेशी राष्ट्रों से ऋण लेके या सामान उधार लेके। तो ऋण व्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया था विदेशी देशों से हम पैसा भी ले सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि वो देश हमें हथियार या पेट्रोल या खाने पीने का सामान गेहूँ दे सकता है तो हम उससे वो भी ले सकते हैं। यानी जब हम टेकिंग लोन्स की अगर बात आती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो देश हमें क्या दे सकता है। अगर वो हमें देश हमें पैसा दे सकता है तो हम उससे पैसा लेते हैं, लेकिन अगर हमें पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है तो हो सकता है कि हम उस पैसे जितना पैसा हम उससे कर्ज के रूप में ले रहे थे उस कर्ज के रूप में हम पैसा लेने की बजाय उससे पेट्रोल या डीजल या खाने पीने की जो सामान है वो ले सकते हैं, यानी जो युद्ध में काम आए। सेलिंग फॉरेन कैपिटल्स, विदेशों में लगी पूंजी को बेचकर। हमारा देश जो है, हमारी जो कंपनियां हैं, हमारी सरकारी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां भी है, ये सारी की सारी दूसरे देशों में भी निवेश करती हैं, तो वहाँ पर हमारी पूंजी लगी होती है। तो सरकार को अगर लगता है कि युद्ध के दौरान हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो हम विदेशों में जो हमारी पूंजी लगी है हम उसको बेच सकते हैं, और इससे हमें जो मुद्रा होती है वो मिल जाती है। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, छठा नंबर, यानी कि नए उद्योगों की स्थापना करके। हम देख रहे हैं कि हमने पुराने जो उद्योग पड़े थे, बेकार उद्योग पड़े थे, उनको चालू कर लिया है। नए जो उद्योग हमने लगा रखे थे, जो पहले से लगे हुए थे, उनमें हमने उत्पादन को बढ़ा दिया है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि हमें और ज़रूरत है सामान की या किसी और चीज़ की, तो सरकार नए उद्योगों की भी स्थापना कर सकती है। नंबर सेवन, बाय रिनोवेटिंग ओल्ड इंडस्ट्रीज, पुराने उद्योगों का नवीनीकरण करके। युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए जो पुराने और बंद पड़े उद्योग हैं उनको भी नवीनीकरण करके उनको भी चालू हालत में किया जाता है। यानी कि बहुत से ऐसे उद्योग होते हैं जो कि बहुत सालों से बंद पड़े हैं, जैसे कि चरखी दादरी में सीमेंट की एक फैक्ट्री बहुत सालों से बंद पड़ी है, लेकिन युद्ध के दौरान अगर हमें लगता है कि उस फैक्ट्री की हमें ज़रूरत है तो भारत सरकार उस फैक्ट्री को दोबारा चालू कर सकती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने रियल रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फाइनल रिसोर्सेज में वार फाइनेंस में हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी थी। युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों का भी जमकर उपयोग किया जाता है। इन साधनों के इस्तेमाल से युद्ध के आर्थिक व्यय को काफ़ी हद तक संभाला जा सकता है। यानी कि रियल रिसोर्सेज है उसका तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। युद्ध के दौरान हथियार तथा दूसरी सामग्री के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए जनता पर आयकर, अतिरिक्त कर, अनिवार्य बचत योजना, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण तथा नियंत्रण वितरण प्रणाली का सहारा लिया जाता है। यानी कि फाइनल रिसोर्सेज में हम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा सकते हैं, बाहर से ऋण ले सकते हैं, मुद्रास्फीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐच्छिक चंदे वो ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमने वार फाइनेंस में आपको बता दिया था कि
टैक्स हम कैसे लगाते हैं, टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैक्स दो प्रकार से हम लगाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स के द्वारा हम जो मुद्रास्फीति का खतरा होता है उसको हम कम कर सकते हैं और इससे जनता के ऊपर ज़्यादा भार भी नहीं आता, तो इससे हमें काफ़ी पैसा मिल जाता है। बोरोइंग यानी ऋण व्यवस्था, इसमें हम हमारे जो मित्र देश हैं या हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या सरकारी संस्थान हैं उनसे ऋण की व्यवस्था करते हैं। ऋण भी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य ऋण होता है, एक आंतरिक ऋण होता है। आंतरिक ऋण में हम अपने देश के अंदर से ही ऋण लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे जो सरकारी संस्थान हैं जो सरकार को लाभ देते हैं, पैसा कमा कर देते हैं, या दूसरी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे हम ऋण की व्यवस्था करते हैं। इसमें इसके अलावा बाह्य ऋणों में हमारा जो मित्र देश होता है वही हमें ऋण उपलब्ध करा सकता है। ऋण में हम पैसा भी ले सकते हैं और जो हथियार है या दूसरे प्रकार का युद्ध उपयोगी सामान है हम वो भी ले सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति जो होती है वो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती है। मुद्रास्फीति किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है अगर सरकार उसके ऊपर नियंत्रण ना रखे तो। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो मुद्रास्फीति के कारण बर्बाद हुए पड़े हैं। दो देशों के उदाहरण मैं हमेशा आपको देता हूँ, एक वेनेजुएला है, एक जिम्बाब्वे है। इन दो देशों का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है कि मुद्रास्फीति किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बर्बाद कर सकती है। तो ये जो मुद्रास्फीति का जो उपाय होता है सरकार बहुत मजबूरी में इसका इस्तेमाल करती है। इसके बाद आता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन यानी कि ऐच्छिक चंदे। इसके बाद भी अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अगर सरकार को लगता है कि पर्याप्त मात्रा में पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है तो फिर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है उसका इस्तेमाल करती है। ये सभी व्यवस्था राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। आज के समय में आधुनिक युद्ध बिना सशक्त रक्षा व आर्थिक संसाधनों के नहीं जीता जा सकता। अतः आज के समय की आवश्यकता है कि राष्ट्र सभी प्रकार से युद्ध के लिए तैयार रहे, यानी कि राष्ट्र को अगर जीतना है तो उसको आर्थिक रूप से भी ताकतवर होना है और सैनिक रूप से भी उसका ताकतवर होना जरूरी है। अगर वो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को भी अगर इग्नोर करता है तो उसका हाल जो है वो सिंध या सोवियत संघ की तरह हो सकता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था बच्चों, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।